पता है शुक्र धातु यानी वीर्य जो है ये शुक्र धातु से बनता है और शुक्र धातु का निर्माण 11 से 12 या 13 वर्ष के उम्र में लगभग बनना शुरू हो जाता है। जब आप 18 या 19 साल के होते हैं तो वो चरम सीमा पे होता है, यानी काफी ज्यादा मात्रा में वृद्धि होने लगता है, यानी उसकी एक प्रकार से प्रोडक्शन की बात करें, वीर्य की प्रोडक्शन की बात करें तो अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन होती है। लेकिन जब आप 30 से 35 वर्ष की आयु में जाते हैं तो प्रोडक्शन तो होता ही है, साथ साथ आपके पास स्टोर भी काफी होता है, क्योंकि अक्सर जो लोग व्यक्ति 30 वर्ष की या 35 वर्ष की आयु के बीच में रहे वो अपना देखेंगे, अपना वीर्य की बात करें तो काफी गाढ़ा अमाउंट में लगभग 5 से 6 ml यानी 7 ml मैक्सिमम तक हो सकते हैं। अगर अच्छी तरीका से निकाल करके उसका जो है मेजरमेंट किया जाए तो उनके अंदर गढ़ापन भी अच्छा होगा और उसमें जो मोलालिटी होगा, मोबिलिटी होगा, वो सारे चीज अच्छे क्वालिटी में होंगे, ठीक है। और यह जब 50 वर्ष को क्रॉस करेंगे यानी उम्र उनका जब 50 वर्ष होगा तो इनमें थोड़ी मात्रा में कमी आएगी। जैसे 50, 51, 52, 53 अपनी आयु की बता रहे हैं कि आयु इनकी बढ़ती गई, वैसे वैसे वीर्य की थोड़ी थोड़ी कमी आ जाती है। तो दोस्तों इस वीर्य को जो है हम लोग इकट्ठा भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अगर आप चाहते हैं अपने वीर्य को प्रिजर्व रखना तो आप रख सकते हैं, ठीक है, यानी फ्रीजिंग कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। अब अपने घर वाले फ्रिज में नहीं, इसके लिए एक स्पेशल फ्रिज होता है, इसको स्टोर कर सकते हैं, कम से कम 10 सालों तक इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। हम